क्या मामला दर्ज है? वो 20 अगस्त को मुहर्रम कताजिया को लेकर वहाँ कुछ लोग मुहर्रम की भीड़ को चिन्हित कर पुलिस मूसापुर इलाके में कर रही है छापेमारी। 20 अगस्त को हाईवे 31 पर प्रतिबंध के बावजूद भीड़ पहुंची थी हाईवे पर। एम्बुलेंस के पीछे जा रही स्कॉर्पियो को भीड़ ने किया था टारगेट। अभी तक 20 से अधिक नामजद समेत कई अज्ञात पर दर्ज हुई है प्राथमिकी। प्रखंड विकास पदाधिकारी और वाहन मालिक मोहम्मद वशीम ने मुहर्रम की भीड़ पर दर्ज कराया है FIR। भीड़ तजिया के साथ लाठी डंडे के साथ हाईवे 31 को कर रहे थे क्रॉस। सुरक्षा के दृष्टिकोण से NH 31 में दोनों तरफ वाहनों को रोक दिया गया। इस बीच एक एम्बुलेंस आई जिसको कि पुलिस के सहयोग से पार कराया जा रहा था, जिसमें एक स्कॉर्पियो जो कटिहार जिला के ही बराड़ी थाना के मोहम्मद वसीम का है, वो भी पीछे पीछे आ गई और एम्बुलेंस तो निकल गई थी। उसके बाद कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा स्कॉर्पियो को घेर कर और उसमें सवार लोगों के साथ लाठी डंडा से मारपीट की गई और स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई। सभी जो तीन चार व्यक्ति जख्मी थे उनका PHC में इलाज कराकर और उनको वापस घर भेज दिया गया है। इस संबंध में मोहम्मद वसीम जो स्कॉर्पियो के मालिक हैं उनके बयान पर और प्रखंड विकास पदाधिकारी के बयान पर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। BNP News के लिए कटिहार से रतन कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अज्ञात है।